उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत के घर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणव ने हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। कुंवर प्रणव चैंपियंस के इस हवाई फायरिंग में कांग्रेस के दो नेता घायल हो गए। कांग्रेसी नेता विवेकानंद को पांव में गोली लगी है। हालांकि इस मसले पर कोई भी नेता अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। गोली के शिकार कांग्रेसी नेता ने भी कुछ भी बोलने से इनकार किया है। चैंपियन जी आए, गाड़ी से उतरते पहले उन्होंने फायर किया, फिर वो अंदर की तरफ गए, अंदर उनको मना किया था बाहर इसको चलाइए, तो उन्होंने चार पांच फायर अंदर ही किए, एक मेरे को यहाँ से छूटते हुए निकल के चला गया। दरअसल आज से उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, इसलिए मंत्री हरेक सिंह रावत ने सत्र शुरू होने से पहले नेताओं को अपने घर पर आमंत्रित किया था। इसी दौरान बाहुबली विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरना और भवरी देवी कांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि गहलोत के एक और मंत्री पर लगे रेप के आरोप से सूबे का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब डेयरी विकास मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर युक्ति से रेप करने का मामला दर्ज कराया गया है। ये केस जयपुर के सोटला थाने में दर्ज किया गया है। नागर पर एक लड़की ने नौकरी दिलाने के नाम पर रेप का आरोप लगाया है। मामला 11 सितंबर का है। पीड़ित महिला का आरोप है कि नागर ने अपने सरकारी आवास पर शाम 5 बजे रेप किया। उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। कोर्ट के आदेश के बाद नागर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बाबूलाल नागर ने रेप के आरोप से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। जयपुर हाईकोर्ट में आज आसाराम की जमानत पर दोबारा सुनवाई होनी है। 17 दिनों से सेंट्रल जेल की काल कोठरी में बंद स्वयंभू संत आसाराम को जेल से छुटकारा पाने की उम्मीद जगी है, क्योंकि हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत की पैरवी कर रहे हैं देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर राम जेठमलानी। 16 सितंबर को जमानत की सुनवाई के दौरान खचाखच भरे अदालत ने वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने बचाव पक्ष के वकील के रूप में इस बात की दलील पेश की थी कि लड़की पुरानी बीमारी से पीड़ित है, और कोर्ट ने 18 सितंबर यानी आज तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी और अभियोजन पक्ष को मामले की अगली सुनवाई के दौरान अदालत के सामने केस डायरी पेश करने को कहा था। ऐसे में आसाराम की रिहाई आज की सुनवाई पर टिकी है और जेल की काल कोठरी में दिन रात काट रहे आसाराम को अब राम का ही सहारा है। 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में आरोपी के वकील एपी सिंह को विवादास्पद बयान देने पर दिल्ली बार काउंसिल ने नोटिस भेजा है। दिल्ली बार काउंसिल ने एपी सिंह के उस बयान को गंभीरता से लिया है जिसमें एपी सिंह ने कहा था आरोपियों को फांसी की सजा कोर्ट ने राजनीतिक दबाव में आकर दिया है और एपी सिंह ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। काउंसिल ने इस संबंध में आपात बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से एपी सिंह के रवैये की कड़ी निंदा की गई। काउंसिल ने एपी सिंह को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। एपी सिंह को 11 अक्टूबर को जवाब दाखिल करना है। दिल्ली में हुए 5 दिन पहले एनआरआई अनमोल मर्डर केस की गुत्थी सुलझ चुकी है। दिल्ली पुलिस अनमोल के मर्डर का राजफाश कर चुकी है, लेकिन अनमोल के घर वाले दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर यकीन करने को तैयार नहीं है। अनमोल के परिजन अनमोल के चारों दोस्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अनमोल का परिवार का कहना है कि गार्ड तो मोहरे भर हैं, असली साजिश किसी और ने रची है, इसलिए अनमोल के घर वाले पुलिस की थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस एनआरआई अनमोल सरना के मर्डर केस को सुलझा हुआ बता रही है और हत्या के आरोप में 2 गार्ड्स को गिरफ्तार भी कर चुकी है और अनमोल के चारों दोस्त ड्रग्स लेने के इल्जाम में सलाखों के पीछे हैं। मुंबई के मलाड इलाके में एक 15 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 15 साल की लड़की से उसका बॉयफ्रेंड लगातार शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था, लेकिन नवाली लड़की ने इसका विरोध किया तो उसे बहला फुसला कर गुजरात सूरत और अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 5 सितंबर को जब नाबालिग लड़की घर नहीं आई तो परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में करवाई, लेकिन 10 दिन बाद अचानक जब नाबालिग लड़की अपने घर लौटी तो घर वालों को नाबालिग पीड़िता ने आपबीती सुनाई। उसके बाद पीड़िता के परिजन नाबालिग लड़की को थाने ले गए, जहां पुलिस पीड़ित युक्ति का मेडिकल कराकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जयपुर के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र के साथ सीनियर छात्रों ने रैगिंग की। पीड़ित छात्र का नाम चंदन शर्मा है और वो कॉलेज के बीटेक के सेकेंड ईयर का छात्र है। शनिवार को हुई फ्रेशर्स पार्टी में सीनियर छात्र जूनियर लड़कों के शर्ट उतरवा रहे थे और उन्हें खुले बदन डांस करने को कहा गया था, लेकिन पीड़ित छात्रा ने सीनियर छात्रों की बात नहीं मानी और साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद तो कॉलेज के सीनियर छात्र चंदन को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित छात्र ने कॉलेज के सीनियर छात्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और चंदन की शिकायत पर पुलिस ने कॉलेज प्रशासन और सीनियर छात्रों से पूछताछ करने में जुट गई है। तो हमारे साथ रैगिंग हुआ, ये सब बोले कि कपड़े खोल के डांस कर, कुर्सी उठाकर मारने लगे।
गुजरात सरकार ने केन को पत्र लिखकर मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सूबे के मुख्य सचिव ने कहा कि गुजरात के बाहर मोदी की यात्राओं के दौरान मिलने वाली सुरक्षा मोदी की सुरक्षा के अनुरूप नहीं है। नमो को पार्टी के पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद नरेंद्र मोदी की गुजरात से बाहर की यात्राओं में तेजी आई है और मोदी पहले ही आतंकवादी संगठनों की हिट लिस्ट में है। वैसे मोदी को जेड प्लस प्लस श्रेणी का सुरक्षा घेरा मिला हुआ है और जून में बीजेपी चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने के बाद मोदी की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे एनएसजी ने उनके आवास पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार ऐलान करने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है और अब पुराने बीजेपी नेताओं का दोबारा से बीजेपी में शामिल होने की होड़ लग गई है। केजीपी प्रमुख येदियुरप्पा ने बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए हैं और इसका ऐलान आज होने की उम्मीद जताई जा रही है। येदियुरप्पा ने बीजेपी से अलग होकर पिछले दिसंबर में कर्नाटक जनता पार्टी बनाई और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्होंने चुनाव में अपनी नैया तो डुबाई ही, साथ ही बीजेपी के भी सूबे से पांव उखड़ गए थे। और अब नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने के बाद येदियुरप्पा ने फिर से बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए हैं। राजस्थान के रण में एक बार फिर गरजे राहुल। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद पहली बार राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से बीजेपी को ललकारा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ गरीबों की योजना में हमेशा रोड़े अटकाती है। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ने जो भी वादे किए थे उन सभी को पूरा करके दिखाया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी केवल अमीरों के लिए काम करती है, आम आदमियों के बारे में उसके पास कोई योजना नहीं है। फूड सिक्योरिटी बिल लाए, अब ये नारा बदल गया, आपको मालूम होना चाहिए। पेट भर के रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। सीबीआई की विशेष अदालत 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के एक मामले का फैसला 30 सितंबर को सुनाएगी। चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37 करोड़ रुपए से अधिक धन निकालने के इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है और इस मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी आरोपी हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुन ली है। लालू यादव के वकील ने दावा किया है कि इस मामले में लालू यादव के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति गलत ढंग से दी गई है और असंवैधानिक है, लिहाजा उनके खिलाफ पूरा मामला ही अवैध है। भक्तों के साथ सेवादारों की बदतमीजी और दादागिरी की हैरान करने वाली यह तस्वीर मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा भगवान गणपति के पंडाल की है। देखिए किस तरह से यह शख्स लाल बाग के राजा यानी भगवान गणेश की एक झलक पाने को बेताब इस भक्त पर दादागिरी दिखा रहा है। भीड़ काबू करने के नाम पर बप्पा का ये स्वयंभू सेवादार बप्पा के ही भक्त पर रौब दिखाते हुए धक्का दे रहा है।